हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लौट कर आए हैं सो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो है कि डीएम हमारे पास कब आएगा, एंड माय आंसर इज़ डीएम आपकी तरफ आ रहा है। डीएम इज़ गोइंग टू अप्रोच यू, डीएम इज़ थिंकिंग अबाउट यू। अगर आप में से कई लोगों को सिंक्रोनिसिटी हो रही है कि उनको 69 के बाद 96 दिख रहा है, दैट मीन्स डीएम अवेकन हो रहा है, डीएम अपने कर्मास क्लियर कर रहा है, डीएम आप तक अप्रोच करने वाला है। रेस्ट जिनको सिंक्रोनिसिटी नहीं हो रही है एंड वो डीएम का वेट कर रहे हैं एंड डीएम पे स्टक हो चुके हैं, एंड आप में से कई लोग कंफ्यूज भी हैं कि रियल में आप लोग ट्विन फ्लेम हैं भी कि नहीं, तो मेरा आंसर यहाँ पर ये है कि अगर आप ट्विन फ्लेम हैं या फिर आप ट्विन फ्लेम नहीं हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप प्यार तो करते हैं ना सामने वाली पर्सनैलिटी से, और अगर आप प्यार करते हैं और वो भी अनमैरिड है, आप भी अनमैरिड हैं एंड आप उससे मैरिज करना चाहते हैं, दैट मीन्स आप चाहते हैं कि वो आपको प्रपोज करे। एंड इसका सिंपल सा सिर्फ वन तरीका है कि आप उसके लिए ग्रांटेड हो, उसको ये फील करवाना बंद कर दो। जिस दिन उसको लगेगा कि आप उसको छोड़कर जा रहे हो, उस दिन अगर वो आपको प्यार करता होगा, अगर वो आपकी कदर करता होगा, तो वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, अदरवाइज़ वो नहीं आएगा। ओके, सो डीएम क्या कोई भी रिलेशनशिप हो, अगर किसी को लगता है कि जब भी मैं इनको कॉन्टेक्ट करूँगा और ये अवेलेबल होंगे ही होंगे तो वो हमें ग्रांटेड समझने लगता है और डे बाय डे हमारी रिस्पेक्ट कम होने लगती है। सो डीएम है आपका ट्विन फ्लेम है या फिर नहीं है, जो भी है, बट इफ़ यू लव हिम, इफ़ यू लव हर, तो उन्हें फ्री छोड़ दो एंड देखो क्या वो रिटर्न होके आते हैं। जब उनको लगेगा कि आप हरदम उनके लिए अवेलेबल नहीं हो, तो वो आपकी इम्पोर्टेंस समझेंगे, वो आपकी वैल्यू समझेंगे। रेस्ट अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हो और आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो और आप जो है मेडिटेशन कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों का कोई भी बैड इम्पैक्ट नहीं है। ऑब्वियसली जब हम गॉड से प्रे करते हैं तो एवरीथिंग गुड होती है, एवरीथिंग बढ़िया होती है, एवरीथिंग वेल होती है। तो गॉड से प्रे करना कभी भी बुरा नहीं है, जर्नी कोई भी हो। सो अगर आप लव में हो, चाहे वो आपका डीएम है, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, चाहे आप नहीं हो, तो उनको ये फील करवाना बंद कर दो कि वो जब भी आपको टेक्स्ट करेंगे आप अवेलेबल हो गए ही हो गए उनके लिए। जब उनको ये फील हो जाएगा कि जब वो टेक्स्ट करते हैं और आप अवेलेबल नहीं होते, तो उनकी क्यूरियोसिटी इंक्रीज होगी आपके लिए, एंड जैसे जैसे वो क्यूरियस होते चले जाएंगे वैसे वैसे उनका इंटरेस्ट बनेगा आप में और वो खुद आप तक अप्रोच करेंगे, फिर आपको उन तक अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड सिंक्रोनिसिटी 69 एंड 96 का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अगर 69 आपको बार बार दिखता है, दैट मीन्स आपकी जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही है, गॉड आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपकी जर्नी जो है कंप्लीट हो ही रही है और बिल्कुल जो है गॉड आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। प्लस अगर आपको 96 दिखता है, दैट मीन्स आपका डीएम जो है वो स्पिरिचुअली अवेकन होना स्टार्ट हो गया है, वो अपने कर्मास का अकाउंट क्लियर कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सारे काम वाम छोड़ के एकदम आप तक आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर है कि वो आप तक आने वाला है। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ लवली डे एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।